हेलो दोस्तों, आज मैं एक नए प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। इस प्रोडक्ट का नाम इजोटिक मतलब हो गया ईयर क्लींजर का काम करता है, विरबैक कंपनी का है और एक नया प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में एक खासियत बात यह है कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें स्प्रे है, मात्र एक स्प्रे करेंगे कान में 5 दिन तक, तो ये क्लेम करता है कि ये जो डॉग का ईयर प्रॉब्लम है, मतलब खुजली है, इन्फेक्शन है या एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसे बिल्कुल भी ठीक कर रहे। तो देखिए, ये है इजोटिक, ईज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कोटाइटिस एक्सटर्ना। तो इसमें जस्ट बोल रहे हैं कि पंप एंड गो, मतलब एक बार पंप कर दीजिए ईयर में और उसके बाद आप निश्चिंत रह सकते हैं। ना आपको उसको साफ करना है कान को और ना कुछ अप्लाई करना है, ना कुछ खिलाना है। तो यही है वो इजोटिक ऑइंटमेंट। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या है। ये प्रोडक्ट लिटरेचर मेरे साथ है। ये देखिए, ये डॉग का ईयर एनाटॉमी है, मतलब हुआ ईयर का जो बनावट, हम लोगों की तरह नहीं है। देखिए यहाँ पर, देखिए कान जो है ऐसे आके फिर ऐसे टर्न लेता है। हम लोगों का क्या है, स्ट्रेट है, इसलिए हम लोग तो कुछ घुसा के साफ कर लेते हैं, लेकिन ईयरबड्स घुसा के, लेकिन उनका अगर घुसाएंगे तो यहाँ जो है ना, इस पॉइंट में वो इंजरी होगा, क्योंकि वो तो टर्न लेगा नहीं। इसीलिए क्या करते हैं कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन वगैरह डालते हैं, जैसे ये पंप है, जिससे यहाँ तक आ जाए, खुद ब खुद जब झटके वो तो ये मैल यहाँ से निकल जाए। तो यही थ्योरी है इसमें। तो यहाँ ये दिखाया गया है कि डॉग का ईयर हम लोगों से कैसे डिफरेंट है। तो ईयर कनाल वॉल्यूम भी लिखाया गया है। ईयर कनाल वॉल्यूम किसी किसी डॉग का 0.5 to 0.8 cm³ है, किसी किसी का ज़्यादा भी होता है। और ये देखिए, ओटाइटिस फिजियोपैथोलॉजी, मतलब हुआ कि क्या हुआ, कि क्यों होता है, क्यों उसमें डॉग में जो है ईयर में इतना प्रॉब्लम होता है, क्यों उसे इतना खुजली होता है, क्योंकि उसका जो है बनावट ही ऐसा है। कान में बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, बहुत सारे डॉग्स के जो है ना पेंडुलस ईयर, मतलब लटकते हुए कान होते हैं, और ईयर कैनाल बहुत लॉन्ग होता है, लंबा होता है। ईयर कैनाल किसी किसी का जो है लंबा होते हुए भी जो उसकी गहराई ये है, ओपनिंग है, मतलब उसका मुंह है जो है बहुत छोटा होता है, मतलब एक बार फंस गया तो फिर निकलने का कोई चक्कर नहीं है, कोई सवाल नहीं है। कोई सामान अंदर गया, बदूल बालू, तो वो अंदर ही रह गया, फिर बाहर नहीं निकला। इसके अलावा कोई डॉग जो है पानी वानी में चला जाता है, कभी कभार भींग जाता है, या उसकी साफ सफाई ठीक से नहीं होती है तो भी होता है इसे ईयर में प्रॉब्लम। इसके अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम है, जैसे किसी को एलर्जी होता है, किसी किसी डॉग को पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ जो है बाहरी वस्तु, कागज या कुछ तार वार कुछ अंदर घुस जाए तो भी उसे इन्फेक्शन होता है। लेकिन जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो कौन कौन से बैक्टीरिया है जो मतलब उस ईयर कैनाल में प्रॉब्लम करते हैं, उसमें है मलेशिया स्पीसीज स्टेफाइलोकोकस। देखिए, मलेशिया स्पीसीज जो है 30% ऑफ द केस में होता है, स्टेफाइलोकोकस कोएगुलेंस होता है 30% केस में, सुडोमोनास होता है 20% केस में, प्रोटीएस होता है 10% केस में, और स्टेप्टोकोकस या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उससे पहले ही ट्रीटमेंट कर लेना है। तो इस इजोटिक से करना है ट्रीटमेंट। तो इसमें हाइड्रोकॉर्टिजोन है, जेंटामाइसिन है जो एंटीबायोटिक है, माइकोनाजोल है जो एंटीफंगल है। तो इस तरह से हाइड्रोकॉर्टिजोन जो है ईचिंग में मदद करता है, ईचिंग नहीं हो इसलिए। और देखिए इसमें क्या बोलते हैं, इन्होंने बताया है कि कंप्लायंस पोटेंट, मतलब बहुत ही इफेक्टिव है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, सेफ है और ईजी टू अप्लाई है। इन्होंने दिखाया है कि 5 दिन में कैसे कैसे घटता है इन्फेक्शन। पहले देखिए बहुत इन्फेक्शन था, दूसरे दिन थोड़ा घटा, तीसरे दिन थोड़ा घटा, चौथे पांचवें दिन में
ये एकदम ही मिनिमम आ गया और सातवें दिन में या आठवें दिन में तो ख़त्म ही हो गया इन्फेक्शन। तो ये इन्होंने दिखाया है ऐसा। और सबसे बड़ी बात है, एक बार स्प्रे करना है, वन पंप, मतलब 1 ml उसके कान के अंदर चला जाएगा। तो वो काफ़ी है 5 दिन तक ट्रीटमेंट करने, दिन में एक बार 5 दिन तक उसे देंगे तो जो है उसका खुजली, कान में खुजली, दर्द या फिर रेडनेस, वो सब खत्म हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा पस है तब इसे आप 14 दिन तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन है ट्रीटमेंट का, मतलब ये बहुत ही सिंपल है। इसके पहले तो बहुत सारा था, इंजेक्शन देना पड़ता था, फिर हमें एक से ये क्लिनजर करते थे, उसके बाद उसमें दवा डालते थे। इसमें वो सब चक्कर ही नहीं है, सीधे एक पंप कीजिए और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ इन्होंने फिर से दिखाया है कि पोटेंट एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सेफ है। तो जैसे हाइड्रोकॉर्टिजोन है, ये जो है स्किन एब्जॉर्प्शन, मतलब ये बहुत जल्दी स्किन के अंदर में चला जाता है। प्रेडनिसोलोन अगर रहेगा, जैसे ये इनका तो हाइड्रोकॉर्टिजोन का है, बहुत फास्ट एक्टिंग है, बहुत आपने डाला और 5 मिनट के अंदर स्किन में चला दिया। दूसरा कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उसका स्लो एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब देर से काम करेगा। ये मेरा क्लिनिक है, मैं क्लिनिक में ही बैठा हुआ हूँ अपना और आपको बता रहा हूँ। और ये सेव भी है, जेंटामाइसिन इसमें है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। माइकोनाजोल है जो मैंने बताया पहले, एंटीफंगल है, कैंडिडा, ट्राइकोफाइटन, एस्परजिलस इसमें काम करता है और ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में भी काम करता है। और एक पंप देना है, उसी में ठीक हो जाएगा बोल रहे हैं। तो और ये ग्रिप भी जो है ऐसा बनावट बनाया गया है कि आप अपने अंगूठे को उस स्प्रेयर में इजीली रख सकेंगे, बहुत अच्छा है। और एयरलेस बॉटल है, मतलब हो गया कि ये जो है बहुत अच्छा फोर्स से निकलेगा। कोई भी साइज का डॉग हो, आपको एक ही बार पंप करना है, दोबारा नहीं करना है। छोटा चिहुआवा है तो भी एक बार, और सेंट बर्नार्ड है तो भी एक बार, और एक डोज ही काफ़ी है एक बार में। और वॉट एवर कोई पोजिशन, अगर डॉग खड़ा है, बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसमें इस कान के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। इन्होंने आगे बताया है कि केस स्टडीज़ कैसे कैसे कहाँ किया, वो रिसर्च स्टडीज़ वगैरह उन्होंने दिया है कि कैसे ठीक किया, केस स्टडीज़ इसमें बताया गया है। मेरे पास लिटरेचर है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करके इसका फीडबैक मुझे जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और मैं उसे उसके बारे में हम लोग भी जानेंगे, मैं भी सीखूंगा कि इसमें कितना इफ़ेक्टिव है। आप ज़रूर इसका रिव्यू कमेंट सेक्शन में दें। इसी के साथ आज वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगले बार फिर आप उपस्थित होंगे नए प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू।